Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 7, National Movement 1919 to 1934. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Till here, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this paragraph, The Gandhian Path. अब हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जिन रास्तों पर चलकर गांधी जी ने हमें फ्रीडम दिलाई. तो गांधी जी का फर्म बिलीव था सत्याग्रह पर, पावर ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा पूर्वक लड़ना है, संघर्ष करना है पर उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए. स्वदेशी मीन्स इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका यूज़ करो, फॉरेन प्रोडक्ट को बायकॉट करो. और सोशल जस्टिस, बेटा गांधी जी के जो बेसिक आइडियाज़ थे और जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेशनल मूवमेंट को डायरेक्शन दी उसको हम फोर मेन हेडिंग्स के थ्रू पढ़ सकते हैं. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, सत्याग्रह को. ठीक है, तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है पहले तो आप लोग ये समझो, सत्य की शक्ति पर जोर देना. व्हाट इज सत्याग्रह? सत्य की शक्ति पर जोर देना. इसमें जो वर्ड सत्य है इसका मीनिंग होता है ट्रुथ, और आग्रह का मतलब होता है एफर्ट और फोर्स. तो सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया? द फोर्स बॉर्न ऑफ ट्रुथ, वो शक्ति, वो फोर्स जिसका जन्म किससे हुआ हो, सत्य से हुआ हो. ठीक है, सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, आग्रह का मतलब होता है एफर्ट और फोर्स. तो सत्याग्रह टोटल मिलाकर क्या हो गया? द फोर्स बॉर्न ऑफ ट्रुथ, सत्य की शक्ति पर जोर देना ही क्या है, सत्याग्रह है. अच्छा, गांधी जी अपने शब्दों में कैसे डिफाइन करते हैं सत्याग्रह को? कि ये लव फोर्स है, सोल फोर्स है. ठीक है, आपकी आत्मा की जो शक्ति है वो कब जागृत होगी? जब आप सही होंगे. जब बेटा हम खुद झूठ होते हैं तो हम एक टाइम में आर्ग्यूमेंट करने के बाद सोचने लगते हैं यार कि क्यों ही कर रहे हैं, गलत तो मैं ही था. पर अगर आप सही होंगे तो अंदर से शक्ति आएगी आपको. तो गांधी जी इसे सोल फोर्स, लव फोर्स कहते हैं. बेटा गांधी जी को खुद ही आइडिया कहाँ से आया सत्याग्रह का, है ना? कहीं ना कहीं से तो उन्होंने पढ़ा होगा, कहीं से तो ये आइडिया इवॉल्व हुआ होगा. तो गांधी जी को ये जो सत्याग्रह का आइडिया मिला है वो किसकी इंस्पिरेशन से मिला है? टॉल्स्टॉय. टॉल्स्टॉय ने बहुत सारी कुछ लिखा हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है. तो जब गांधी जी टॉल्स्टॉय को पढ़ते हैं, है ना, टॉल्स्टॉय जिनका जन्म 1828 में हुआ था और डेथ कब हुई थी 1910 में, बहुत ही बड़े रशियन राइटर थे टॉल्स्टॉय. तो टॉल्स्टॉय की राइटिंग्स को जब गांधी जी ने पढ़ा तब उनको समझ में आया यार कि हर बार जीतने के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं है, हिंसा करना ज़रूरी नहीं है. कुछ लड़ाई अहिंसा से भी जीती जा सकती हैं. ठीक है, ट्रुथ से भी जीती जा सकती हैं. तो पहला जो इंस्पिरेशन का सोर्स था जिसने सत्याग्रह जैसी चीज़ गांधी जी के दिमाग में लाई वो थे रशियन राइटर टॉल्स्टॉय, और दूसरा हिंदू स्क्रिप्चर्स. हमारे भी बेटा बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ पर ट्रुथ को बहुत ज़्यादा वेटेज मिला है, अहिंसा को बहुत ज़्यादा वेटेज मिला है. सत्याग्रह जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं हमारे स्क्रिप्चर्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई अगर आप सही हो तो आपके साथ गलत कभी हो ही नहीं सकता. अब बेटा जो सच्चा सत्याग्रही होगा ना, जो सच में सत्याग्रह के मतलब को जानता होगा, सत्याग्रही होगा, तो वो कोशिश करेगा कि जो भी सफरिंग्स उनको मिल रही है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले, और जो सामने वाला व्यक्ति है जो उसको सफरिंग्स दे रहा है उसके मन को बदल दे. ठीक है, जो सत्याग्रही होते हैं वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसको इविल डॉल्स को, मतलब जो उनके साथ अनर्थ कर रहा है, जो उनके ऊपर अन्याय कर रहा है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू देयर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सफरिंग्स. वो सफरिंग्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, चीयरफुली खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, परेशान हो जाएंगे पर हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, और सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई अपनी अंतरात्मा को जगाओ, देखो हम तुम्हारे कारण सफ़र कर रहे हैं. ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा ना बेटा तो ये फिलोसफिकल बातें हैं, है ना, पर ये तो लर्न करना ही है तो लर्न कर लो. कि जो सत्याग्रही होते हैं वो कन्वर्ट करना चाहते हैं किसको, उस दुराचारी को, उस इविल डूअर को, है ना, कैसे, उसके द्वारा दी गई सफरिंग्स को खुशी खुशी एक्सेप्ट करके. कि हम उसकी सफरिंग्स को एक्सेप्ट करते जाएंगे एक दिन तो उसकी अंतरात्मा जागेगी और वह समझेगा भाई मैं गलत कर रहा था और वो अपने आप को बदल लेगा. गांधी जी कहते हैं
बेटा गांधी जी क्या कह रहे हैं, देखो द हार्डेस्ट फाइबर, अब ये जो हार्डेस्ट फाइबर ये मेटाफोर है, ये उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है जो स्टबर्न है, चेंज होने को तैयार नहीं है, बहुत रिजिड है। तो गांधी जी कह रहे हैं अगर ऐसा कोई फाइबर है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो आप उसको मेल्ट कर सकते हो, उसको पिघला सकते हो, उसके हृदय का परिवर्तन कर सकते हो विद फायर ऑफ लव। ठीक है, आप उसके साथ सिंपैथी दिखाएं, कंपैशनेट रहें, ठीक है, लव के थ्रू उसको मोल्ड करने की कोशिश करें। अगर वो मेल्ट नहीं होता है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने जो लव सिंपैथी कंपैशन उसके टूवर्ड्स दिखाया वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना नीडेड था। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी अगर हम सिंपल ट्रांसलेशन की बात करें तो गांधी जी कह रहे हैं कि भाई हार्डेस्ट फायर भी जो होगा, फाइबर जो होगा, हार्डेस्ट फाइबर भी अगर कोई होगा तो वो लव की फायर के आगे मेल्ट हो जाएगा। अगर वो मेल्ट नहीं हो पा रहा, इट मीन्स आपकी जो फायर थी उसमें कहीं कमी। पर ये जो मेटाफोर द हार्डेस्ट फाइबर है, इसका मतलब क्या है कि भाई वो व्यक्ति जो बहुत स्टबर्न है, रेसिस्टेंट है, चेंज ही नहीं होना चाह रहा है, उस व्यक्ति को भी आप बदल सकते हो अगर उसके साथ में आप बहुत ही अच्छे से बिहेवियर करो। ठीक है, उसकी जो नीड है उसको पूरा करो, है ना। अगर वो मेल्ट नहीं हुआ, इट मीन्स आपने प्रॉपर तरीके से ट्राई नहीं किया। बेटा हियर गांधी जी इज ट्राइंग टू कन्वे अ वेरी पावरफुल मैसेज अबाउट द पोटेंशियल फॉर लव टू हील एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लव में बहुत पोटेंशियल है, ये हील भी कर सकता है, ये ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। विथ लव वी कैन ओवरकम एनी बैरियर। ठीक है, गांधी जी क्या कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ लव और विथ लव वी कैन ओवरकम एनी बैरियर। बेटा सत्याग्रह एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं सत्याग्रह में। फास्टिंग कैन बी वन फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। फास्ट रखना, खाना पीना छोड़ देना, ये भी एक तरीके से क्या है, सत्याग्रह। जिसे अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर जो सत्याग्रही होता है वो इविल डोर्स को, एक जालिम व्यक्ति को, सफरिंग्स को खुशी खुशी एक्सेप्ट करके बदलने की कोशिश करता है। तो देखो बेटा, आपके खिलाफ किसी ने अन्याय किया, अब आप उसको मार नहीं रहे हो, पीट नहीं रहे हो, आप भूखे बैठ गए हो, ठीक है, आप कुछ खा ही नहीं रहे हो, पी ही नहीं रहे हो, तो वो व्यक्ति आपको एक दिन, आप उसकी फैक्ट्री के सामने आप बैठे हुए बिना खाए पिए, वो एक दिन जाएगा, देखेगा ये बंदा कुछ खा पी नहीं रहा है, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, पाँच दिन, फिर यहाँ वहाँ से लोग भी आपके साथ आके बैठ जाएंगे, वो देखेंगे यार ये व्यक्ति भूखा है। तो कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री ओनर के मन में आपके टूवर्ड्स एक वो आएगा, अरे यार मेरे कारण ये खा पी नहीं रहा है, तो उसकी अंतरात्मा जागेगी ना, ऐसे ही। तो यहाँ पर फास्टिंग इज़ वन ऑफ द वे कि भाई इस तरीके से भी आप सत्याग्रह कर सकते हो। दूसरा, नॉन कोऑपरेशन विद द इविल डोर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। दूसरा, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है आप उसके साथ कोऑपरेट करना बंद कर दो। जैसे एक फैक्ट्री है, वहाँ पर आपको प्रॉपर सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है, तो आप उसके लड़ो नहीं, मारा पीटी नहीं करो, आप काम करना बंद कर दो और बैठ जाओ वहाँ पर। तो नॉन कोऑपरेशन भी क्या है, सत्याग्रह का एक पार्ट है। फास्टिंग करना भी सत्याग्रह का एक पार्ट है। सिविल डिसोबीडियंस ऑफ स्टेट लॉ, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम फॉर्म है सत्याग्रह का। देखो, पहले आपने फास्टिंग की, ये एक फॉर्म हो गया। दूसरा, आपने कॉपरेट नहीं किया, ये एक अलग फॉर्म हो गया। पर तीसरा फॉर्म जो थोड़ा सा एक्सट्रीम है, स्ट्रॉन्ग है, इसमें आप क्या करते हो, ओपन डिफाइंस, आप जो स्टेट लॉज होते हैं उनको मानना बंद कर देते हो, इवन अनजस्ट लॉज को तोड़ना भी चालू कर देते हो, तो ये भी सत्याग्रह का ही एक फॉर्म है। देखो, नॉन कोऑपरेशन में आप सिर्फ क्या नहीं करते हो, कोऑपरेट नहीं करते हो, उनका साथ नहीं देते हो, पर सिविल डिसोबीडियंस में तो मतलब क्या है कि आप जो सिविल लॉज हैं उन्हें ओबे करना बंद कर देंगे। वो लॉज जिन्हें स्टेट ने बनाया है और आपको लगता है कि ये लॉज अनजस्ट हैं, तो आप उन्हें फॉलो करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम गांधी जी के एक दूसरे भारी भरकम शब्द को डिस्कस करेंगे, जो है नॉन वायलेंस। ठीक है, गांधी जी को क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि गांधी जी जी थे जिन्होंने इस वर्ड को इतना पॉपुलराइज किया। आज वर्ल्ड में वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, और ये वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे किसको ही डेडिकेटेड है, गांधी जी को। 2 अक्टूबर को जहाँ हम गांधी जयंती मनाते हैं, वहीं पूरा वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे मनाता है, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे। ठीक है, तो जो नॉन वायलेंस है उसको हिंदी में हम कहते हैं अहिंसा, हिंसा का अपोजिट अहिंसा। तो नॉन वायलेंस
एंड सत्याग्रह आर क्लोजली इंटरविंग, ये आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्या क्या, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। तो बता दिया ना मैंने आपको कि गांधी जी का वर्ड मैंने नॉन वायलेंस क्यों कहा, क्योंकि वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे किसके बर्थडे पे ही मनाया जाता है, गांधी जी के बर्थडे पे ही मनाया जाता है। इस वर्ड को इतनी पॉपुलैरिटी मिली तो वो गांधी जी की वजह से ही मिली है। गांधी जी का कहना था कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं नॉन वायलेंस को ही देता हूँ। मतलब गांधी जी कितना डीप बोल रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनो। नॉन वायलेंस इज़ द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ, मेरी आस्था का पहला चरण, मेरी आस्था का पहला विश्वास भी अहिंसा है। इट इज़ ऑल्सो द लास्ट आर्टिकल ऑफ माई क्रीड, और मेरे सिद्धांत का अंतिम चरण भी है। मतलब गांधी जी बोलते हैं कि मैंने जहाँ से अपनी जर्नी शुरुआत की उस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पहली चीज़ मेरे लिए नॉन वायलेंस थी, और एंड भी मेरे लिए नॉन वायलेंस ही है। मेरी आस्था का पहला चरण भी नॉन वायलेंस है और अंतिम चरण भी नॉन वायलेंस ही है बेटा। और यहाँ गांधी जी का कहना है कि नॉन वायलेंस से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी की जान नहीं ले रहे हो, ठीक है। इट इज़ नॉट इनफ नॉट टू टेक द लाइफ ऑफ एनी लिविंग बींग, ये बिल्कुल मेरा मानना नहीं है कि नॉन वायलेंस से मैं बोल रहा हूँ किसी की जान मत लो। यहाँ पर अहिंसा का मतलब ये भी है, अहिंसा के जो लोग पुजारी हैं, अहिंसा को जो लोग मानते हैं, जिन्होंने अहिंसा की कसम खाई हुई है, उन लोगों के ऊपर ये बात भी लागू होती है कि वो उन लोगों को भी प्यार करेंगे जो उनके साथ अनजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं बुराई से नफरत करो, उस व्यक्ति से नहीं जो बुरा कर रहा है, समझ में, जो गलत कर रहा है वो ठीक है, पर वो व्यक्ति से नफरत आपको नहीं करनी है। इम्प्लाइज दैट वन मस्ट लव दोस, हमें उन लोगों को भी प्यार करना है, ही बिलीव्स टू बी अनजस्ट, जिनको देख कर हमें लगता है कि भाई ये व्यक्ति अनजस्ट कर रहा है, जो गलत कर रहा है, आपको उनको भी प्यार करना है। अपोज टिरनी बट नेवर हर्ट द टिरेंट, ठीक है। आप जो अत्याचार हो रहा है ना, उसको अपोज करो, पर कभी भी टिरेंट को, उस अत्याचारी को हर्ट मत करो। आई बात समझ में, जो बुरा हो रहा है, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है, पर जो व्यक्ति बुरा कर रहा है आपको उसको हर्ट नहीं करना है। आपको विरोध किसका करना है, टिरनी का, अत्याचार का विरोध करना है, ठीक है, जो जुल्म हो रहा है उसका विरोध करना है, पर उस जुल्मी, उस अत्याचारी को हर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात गांधी जी ये भी बोल दे रहे हैं कि नॉन वायलेंस शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कॉवर्डाइस। कॉवर्डाइस को, कावर्ड मतलब क्या होता है, कमज़ोर डरपोक व्यक्ति, है ना। तो गांधी जी कह रहे हैं कि नॉन वायलेंस डरपोकपन का को नहीं दिखाता है, ये जो कावर्ड साइड है ये बिल्कुल अलग है नॉन वायलेंस से। क्यों? क्योंकि डरपोक व्यक्ति डर जाएगा और उस डर से कुछ नहीं करेगा, और जो नॉन वायलेंस को मानता होगा वो उतना ही मजबूत होगा, उसे पता होगा कि मेरे बिना मारे भी एक दिन ये व्यक्ति मेरी बात मानेगा तो मुझे इसे मारने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉन वायलेंस शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कावर्डनेस, कावर्ड कमज़ोर डरपोक चीज अलग है और नॉन वायलेंस अलग है। गांधी जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि नॉन वायलेंस प्रैक्टिस वही व्यक्ति कर सकता है जो स्ट्रांग है, वीक कभी भी इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। अब हम स्वदेशी की बात करेंगे। स्वदेशी मतलब जो हमारे देश में बना होगा। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग जो स्वदेशी था उसके तीन डायमेंशन थे, एक तो धार्मिक रिलीजियस, दूसरा पॉलिटिकल राजनीतिक, तीसरा आर्थिक इकोनॉमिक। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्वदेशी का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपको उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है, उन्हीं चीज़ों को बाय करना है जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुई, हमारे कंट्री में ने प्रोड्यूस की। तो गांधी जी के रिलीजियस एंगल को हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल को हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम किसको पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक इफेक्ट को, कि भाई अगर हम स्वदेशी यूज़ करते हैं तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आएगा। देखो, अगर आप इंडिया में बने प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो इससे इकोनॉमी को बूम मिलेगा, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फैक्ट्री ओनर्स होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, वो ज़्यादा टैक्स हमारी सरकारों को देंगे, ठीक है ना, और हमारे डिपेंडेंस फॉरेन प्रोडक्ट्स पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो गांधी जी यही बात समझाते हैं कि आपको उस गुड को यूज़ करना है जो हमारे कंट्री में ने बनाए हैं, हमारे इंडिया की बॉर्डर्स के अंदर बने हैं,
गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था, जिससे कि हम ओवरकम कर जाएं किससे, पावर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से। देखो हमारे लोग गरीब क्यों हैं, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं है। तो हमारे लोगों को काम कब मिलेगा, जब हमारे इंडिया में बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगेगा। तो पावर्टी को ओवरकम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करना है, तो आपको आपकी कंट्री में मास लेवल पर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की, जिससे कि गरीबी और बेरोजगारी को इंडिया से हटाया जा सके। गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी विलेज इंडस्ट्रीज़, स्पेशली खादी पे उनका ज़्यादा ध्यान था। खादी बोले तो एक टाइप का क्लॉथ है, हैंड वीवन क्लॉथ होता है, और गांधी जी खादी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। ठीक है, बच गया मोबाइल भाई, चलो। तो खादी से एक स्पेशल अटैचमेंट था गांधी जी को, जो कि एक हैंडस्पन क्लॉथ हुआ करता था, हाथों से बनाया जाता था। हैंडस्पन क्लॉथ ही सेट कुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ इंडियंस। गांधी जी का कहना है, अगर हम हाथ से बना कपड़ा पहनेंगे तो हम बहुत सारे लोगों को एक साथ में, मिलियंस ऑफ पीपल को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, तो मशीन मेड क्लॉथ जो उस टाइम इंग्लैंड से आता था, गांधी जी का कहना था उसको आप यूज़ नहीं करो, हमारे इंडिया में हाथ से बने कपड़े को यूज़ करो, सो दैट एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। अब हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे बेटा। तो गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ भी एक अच्छा खासा अटैचमेंट रखा। उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक नया नाम दिया, जो था हरिजन, चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। वो अपने आश्रम में किसी को भी हाई कास्ट लो कास्ट के हिसाब से वैल्यू नहीं देते थे, सारे लोगों को वेलकम करते थे, इवन खुद टॉयलेट्स को क्लीन करते थे। तो सोशल जस्टिस या ऑप्रेस्ड के खिलाफ भी उनका अच्छा खासा कंसर्न था। गांधी जी ने ये जो कम्युनलिज्म की प्रैक्टिस होती थी, सांप्रदायिक था, इसे भी उन्होंने एवल कहा कि ये समाज में बुराई है। अनटचेबिलिटी, जिसको हम अस्पृश्यता कहते हैं या छुआछूत कहते हैं, कि भाई उसको टच मत करना, वो नीची जात का है, इसका भी गांधी जी ने बहुत ज़्यादा अपोज किया, इसको एविल की तरह देखा। इन्होंने कैंपेन चलाए जिससे विमेन को लिबरेट किया जा सके। ठीक है, ऑप्रेस्ड के लिए इन्होंने डीप कंसर्न को शो किया। मतलब गांधी जी सोशल जस्टिस में भी बिलीव करते थे, और उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए बहुत काम भी किया। अब हम पढ़ेंगे भाई, यहाँ से बेटा अब इम्पॉर्टेंट पार्ट चालू होता है। अभी तक तो जो आपने पढ़ा पढ़ा ठीक है, पर यहाँ पे ज़्यादा फोकस देके पढ़ना, क्योंकि इस मूवमेंट से क्वेश्चन आता है कि भाई क्या कारण थे कि गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा। मैं सच बोल रही हूँ, सत्याग्रह को इतना 2 मार्क में पूछ सकता है व्यक्ति, 1 मार्क में पूछ सकता है, पर पूरा एक ब्लैंकेट अम्ब्रेला टर्म क्वेश्चन नहीं बनता है इन टॉपिक से जो अब तक हमने पढ़े, मतलब जो 18 मिनट पढ़ा। अब बेटा जो पढ़ने आप जा रहे हो इम्पॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कि भाई क्या रीजंस थे, वो क्या कारण थे जिसकी वजह से गांधी जी ने या कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की 1920 में। पहला रीज़न तो था रोल एक्ट। एक्ट कब आया? 1919 में एक एक्ट पास किया सरकार ने, जिसका नाम था रोल एक्ट। ऑन द रिपोर्ट ऑफ सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस रोल एक्ट। एक कमेटी को हेड कर रहे थे सेडिशन कमेटी, उसने रिपोर्ट पूरी बराबर से सबमिट की। 2 बिल पास किए गए, पर अभी रोल एक्ट एक्ट नहीं आया। रोल एक्ट एक्ट क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि भैया इसका नाम रोल एक्ट एक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि इसको हेड कर रहे थे जस्टिस रोल एक्ट। ठीक है, एक सेडिशन कमेटी थी जो अब रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, उस रिपोर्ट से 2 बिल पास होंगे। इसे सेंट्रल लेजिस्लेचर से, कहाँ से पास होंगे दोनों बिल? सेंट्रल लेजिस्लेचर से। और ये जो बिल्स थे, इन्हें किस नाम से हम जानते हैं? ब्लैक बिल्स। क्लियर है? फरवरी 1990 में सेंट्रल लेजिस्लेचर से 2 बिल पास होंगे, जिन्हें हम ब्लैक बिल्स के नाम से जानते हैं, है ना? और फाइनली ये दोनों बिल ही मिलके क्या बनाएंगे? रोल एक्ट एक्ट। और क्या ऑब्जेक्टिव था इस रोल एक्ट एक्ट या ये 2 बिल लाने का? ये था कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी जाए, कि वो किसी को भी सर्च कर सकें, किसी को भी अरेस्ट कर सकें, जिससे कि नेशनल मूवमेंट को पूरी तरीके से क्या किया जा सके बेटा? सप्रेस। देखो वर्ल्ड वॉर 1 अंग्रेज जीत तो गए थे,
पर 1918 में ये जो वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ, इसके ग्रेट इकोनॉमिक रेपरकशंस थे किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, परेशान थे अंग्रेज। अब वो इंडिया में भी आते हैं, गांधी जी चंपारण मूवमेंट कर रहे हैं, खेड़ा में मूवमेंट कर रहे हैं, सत्याग्रह, भूखे प्यासे बैठ गए, तो अंग्रेज़ों को समझ नहीं आ रहा था कि भैया हो क्या रहा है। फिर कुछ रेवोल्यूशनरीज अपने काम अलग कर रहे हैं, गांधी जी अपना काम अलग कर रहे हैं, कांग्रेस अलग है, मुस्लिम लीग भी बन गई थी इस टाइम तक, तो मुस्लिम लीग अपना काम अलग कर रही है। तो मतलब अब यहाँ पे अंग्रेज़ों को समझ नहीं आ रहा था भाई क्या करें और क्या नहीं करें। तो इन ये जो सारी नेशनल मूवमेंट चल रही थी इसको सप्रेस करने के लिए उनको लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, और वो लोग ले आए रोलैक्ट एक्ट। तो इस रोलैक्ट एक्ट से गवर्नमेंट को मिल गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, किसी को भी सर्च करो, किसी को भी अरेस्ट कर लो, और इस तरीके से नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करो। जो रोलैक्ट एक्ट था वो इनॉर्मस पावर देता था पुलिस को, पहला तो वो किसी भी प्लेस को सर्च कर सकते थे, और दूसरा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते थे विदाउट वारंट। हम बोलते हैं ना कि भाई आप अरेस्ट करने आए, अरेस्ट वारंट दिखाइए, अरेस्ट वारंट दिखाइए, तो इस केस में रोलैक्ट एक्ट केस में तो आप अरेस्ट वारंट की बात भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था बिना अरेस्ट वारंट की, और किसी भी प्लेस को सर्च किया जा सकता था बिना वारंट की। ये दो तो बहुत मेन बातें हो गई, अभी और भी कुछ बाकी है। इसे ब्लैक बेल्ट ऐसे ही नहीं कहते थे। ये तो हुआ कि भाई आप प्लेस को सर्च करो, किसी को भी अरेस्ट करो। अब और ज़्यादा ये बुरा क्यों था आप सुनो। द ट्रायल वॉज टू बी हेल्ड इन कैमरा, पूरा जो ट्रायल होगा वो कैमरे के अंदर होगा। द पब्लिक न्यूज़पेपर मैन वर नॉट अलाउड टू अटेंड द ट्रायल, और इस ट्रायल को अटेंड करने की परमिशन ना ही तो मीडिया पर्सनल को दी गई थी और ना ही पब्लिक को दी गई थी, ठीक है, दोनों ही जगह नहीं थी। और यहाँ पर आप कोई अपील भी नहीं कर सकते थे अगेंस्ट द कोर्ट जजमेंट। आपके खिलाफ अगर कोई जजमेंट आया, आप उसे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप इसको हायर कोर्ट्स में लेके भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कहीं अपील नहीं होती थी। बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रोलैक्ट एक्ट का, वो है नो दलील, नो वकील, नो अपील। ठीक है, कोई दलील नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगा, कोई अपील नहीं होगी, मतलब कंप्लीट सप्रेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, यही मोटो था रोलैक्ट एक्ट का, नो प्लीज, नो लॉयर, नो अपील। एनसीईआरटी में जो हम वर्जन पढ़ाते हैं उसमें एक बात और मेजर तरीके से पढ़ाते हैं कि 2 ईयर्स तक तो आपका ट्रायल ही नहीं होगा, नो ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, आपको जेल में बंद करके रख दिया जाएगा और 2 साल तक आपका कोई ट्रायल ही नहीं होगा। मतलब देखो ट्रायल का मतलब क्या होता है, आज आपको किसी ने गिरफ्तार किया पुलिस ने, तो 24 आवर्स के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आपको जेल में भेजना है कि आपको छोड़ देना है, ठीक है। पर यहाँ पर तो 2 साल तक आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने ले ही नहीं जाया जाएगा, आपका ट्रायल ही नहीं होगा 2 साल। तो इसीलिए ये और था, पता नहीं आपकी बुक इसको मेंशन नहीं कर रही, तो आप लोग भी इसको मेंशन नहीं करें, जितना अभी तक पढ़ाया है वही मेंशन करें कि किसी भी प्लेस को सर्च किया जा सकता था और किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता था, जितना भी ट्रायल होगा वो कैमरे में होगा, पब्लिक न्यूज़पेपर मैन इस ट्रायल में नहीं आएंगे, और जो कोर्ट जजमेंट दे देगा उसके अगेंस्ट में आप कहीं पर भी अपील ही नहीं कर सकते हो, नो दलील, नो वकील, नो अपील। और इस एक्ट को लाने के पीछे जो मेजर मोटिव था अंग्रेज़ों का, बस वो इतना ही था कि भैया कुछ भी करके, कुछ भी करके ये जो नेशनल मूवमेंट इंडिया में चल रहा है उसको बंद करना है। अब हम देखेंगे सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलैक्ट एक्ट। अब गांधी जी लोगों को बुलाते हैं, सत्याग्रह इसको बुलाते हैं कि चलो अपन सत्याग्रह करते हैं, है ना, अगेंस्ट सच एन ऑपरेसिव मेजर। ये जो ऑपरेसिव मेजर रोलैक्ट एक्ट के फॉर्म में लिया गया है इसके अगेंस्ट में हमें क्या करना है, सत्याग्रह। तो बहुत सारे लोग आते हैं बेटा, दैट इज़ टू ओबे द लॉ विदाउट रिसॉर्टिंग टू वायलेंस। हम रोलैक्ट एक्ट को नहीं मानेंगे पर हम कोई वायलेंस भी नहीं करेंगे, किसी तरीके से हिंसा नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, पर हम इस लॉ को ओबे नहीं करेंगे। तो अब सत्याग्रह होगा किसके अगेंस्ट में होगा, रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट में होगा। महात्मा गांधी बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारे सत्याग्रही आते हैं, सत्याग्रह करते हैं किसके अगेंस्ट में, इस ऑपरेसिव मेजर के अगेंस्ट में, और कहते हैं कि इस लॉ को हम डिसओबे करेंगे, इस लॉ को हम नहीं मानेंगे पर कोई हिंसा भी नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे सॉर्टिंग का मतलब कोई गलत तरीके को नहीं अपनाएंगे बिना किसी गलत तरीके के। बेटा जो गांधी जी होते हैं वो सत्याग्रह को
स्टार्ट कर देते हैं। द सत्याग्रह अगेंस्ट द रोल एक्ट एक्ट बिगेन ऑन 6 अप्रैल 1919। गांधी जी ने लोगों से कहा कि आप फास्ट करो, प्रे करो, पब्लिक मीटिंग्स लो, ठीक है, अगेंस्ट दिस ब्लैक एक्ट। ये तो अनजस्ट एक्ट है, ब्लैक एक्ट है, इसके अगेंस्ट में आप लोग बैठें, फास्ट करें, प्रेयर करें और पब्लिक मीटिंग्स करें। इन्होंने लोगों को अपील की कि आप लोग हड़ताल करें, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी को बंद रखें, एक दिन के लिए तो कम से कम बंद रख ही सकते हो। गांधी जी के कॉल पर लोगों ने गांधी जी की बात मानी, दुकानें बंद रहीं, लोगों ने हड़ताल की। गांधी जी ने एक बात लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता दी थी, समझा दी थी कि भैया हमें स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट रहना है, हड़ताल भी करनी है, बिजनेस एक्टिविटी को सस्पेंड भी रखना है, पर वायलेंस का सहारा नहीं लेना है, नॉन वायलेंट वे में सब कुछ करना है। डिस्टर्बेंसेस ब्रोक आउट इन फ्यू प्लेसेस, पर फिर भी कुछ कुछ प्लेसेस पर डिस्टर्बेंसेस होने लगे, स्पेशली दिल्ली, गुजरात और पंजाब में। तो क्लास से टीचर जब 2 मिनट के लिए बाहर जाती है तो आपको बोल के जाती है ना, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ बेटा, चुप रहना। पर हम लोग चुप रहते हैं नहीं रहते। तो ऐसे ही गांधी जी ने इतना समझाया लोगों को कि वायलेंस नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। पर कुछ जगहों पर हमें कुछ केसेस देखने को मिले दिल्ली, गुजरात और पंजाब में वायलेंस के। अब हम पढ़ेंगे द इन फेमस जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। अमृतसर ने ऑब्जर्व की हड़ताल 6 अप्रैल को, ठीक है, और कंप्लीट पीस मेंटेन रहा अमृतसर में। 10 अप्रैल को क्या होता है बेटा, तो प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचली। देखो अमृतसर में भी इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट में क्या हो रही थी, लोग सत्याग्रह कर रहे थे और हड़ताल हुई। हड़ताल पूरी तरीके से फुल्ली पीसफुल थी। 6 अप्रैल की हड़ताल बिल्कुल शांति से निपटी, पर 10 अप्रैल को 2 प्रोमिनेंट लीडर होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर सतपाल और किचली, इन्हें अननेसेसरी डिपोर्ट कर दिया गया अमृतसर से। लोगों ने मार्च निकाला टुवर्ड्स द रेसिडेंस ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, और लोगों को समझ भी नहीं आया जब भाई हम कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं कर रहे हैं, कुछ वायलेंस नहीं कर रहे हैं, तो सतपाल और किचले को क्यों पकड़ा आपने, इनको क्यों अमृतसर से बाहर भेजा। तो लोगों ने मार्च किया टुवर्ड्स द रेसिडेंस ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, जो डेप्यूटी कमिश्नर थे उनके घर के आगे से इन लोगों ने मार्च निकाला, एक रैली निकाली। और क्यों निकाली, क्यों भाई, वो पूछना चाह रहे थे कि हमारे इन 2 लीडर को आपने डिटेन क्यों किया, क्यों गिरफ्तार कर लिया है। द माउंटेड पुलिस रेस्टोर्टेड टू फायरिंग विच मेड मॉब वायलेंट, पर देखो पुलिस ने क्या फायरिंग चालू कर दी लोगों के ऊपर। अब इतने सारे लोग थे वो भी वायलेंट हो गए। देखो भाई गोली मुझे लगे या मेरे फ्रेंड को लगे या उसके फ्रेंड को लगे, गुस्सा तो हम सबको आएगा ना कि भाई आपने एक तो 2 लोगों को फालतू गिरफ्तार कर लिया, ऊपर से हम प्रोटेस्ट करने आए तो आपने हमारे ऊपर गोलियां चला दी, तो पूरा मॉब वायलेंट हो गया, मतलब जो भीड़ थी उसमें वायलेंस होने लग गया। 5 यूरोपियन को उसी टाइम में मर्डर कर दिया गया, और जो टाउन हॉल था और जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी उन्हें जला दिया गया। मतलब अब लोग इस तरीके से गुस्सा हो गए कि लोगों ने क्या किया, जो टाउन हॉल था और जो पब्लिक बिल्डिंग थी उन्हें जला दिया और 5 यूरोपियन को उसी दिन मार दिया। अब 10 तारीख को ये सब हो गया, 11 तारीख को जनरल डायर आते हैं अमृतसर में और पूरा कमांड ले लेते हैं, प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा कर देते हैं कि भाई आप कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, कोई प्रोसेशन नहीं होगा, ना ही तो आप कोई रैली निकाल सकते हो, ना ही तो कोई पब्लिक मीटिंग कर सकते हो। 10 तारीख को ये कांड हुआ, 11 तारीख को जनरल डायर आ गया। जनरल डायर ने आते ही उनको भेजा इसलिए था ना कि देखो भैया ये अमृतसर में क्या क्या उल्टा सीधा हो रहा है, उसको संभालो। तो अब जनरल डायर ने आते ही उद्घोषणा कर दी, प्रोक्लेमेशन किए, इशू कर दिए कि भाई कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, कोई प्रोसेशन नहीं निकाला जाएगा। पर 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, एक पब्लिक मीटिंग हो रही होती है जलियांवाला बाग में इन डिफाइंस ऑफ द ऑर्डर। अच्छा इसके पीछे भी कहानी है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो लोग आए थे वो इनोसेंट थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, जनरल डायर ने मीटिंग करने को मना किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिंपल सादे से लोग थे, गांव से बैसाखी मनाने आए थे। तो ऑल इन ऑल जो भी कुछ हो, हमारी बुक बोल रही है कि वो जलियांवाला बाग इसीलिए आए थे क्योंकि उन्हें इस ऑर्डर को डिफाइंस करना था, इसकी अनदेखी करना था। जलियांवाला बाग वॉज एन ओपन स्पेस, जलियांवाला बाग एक ओपन स्पेस है सराउंडेड बाय द बैक्स ऑफ हाउसेस, घर का जो पीछे वाला बाग होता है ना
उससे ये जो ओपन स्पेस था वो अब कवर हो गया है, मतलब सपोज करो ये था, यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर भी बन गया, इस तरीके से कवर कर दिया था। कि नैरो एंट्रेंस बचती है इस पार्क के अंदर जाने की, ठीक है, वो भी कंजस्टेड लेन्स, सिटी की कंजस्टेड लेन्स, लेन मतलब जो लाइनें होती हैं उसके थ्रू, एक नैरो एंट्रेंस के थ्रू आप पहुंच सकते हैं। बाकी तो ओपन स्पेस था, पर अब चारों तरफ तीनों तरफ घर बन गए थे, एक तरफ नहीं बने थे, तो उसकी वजह से वो कवर हो गया था। जनरल डायर ने कोई वार्निंग नहीं दी, जो एक एंट्रेंस थी उसे भी लॉक किया और ओपन फायरिंग की, और तब तक फायरिंग के ऑर्डर दिए जब तक एक एक व्यक्ति वहाँ पर मर नहीं जाता। जनरल डायर विदाउट एनी वार्निंग, जनरल डायर बिना किसी वार्निंग के ओपन फायर कर देते हैं पीसफुल क्राउड पे और कंटिन्यू रखते हैं अपनी फायरिंग को तब तक जब तक कि सारे एमिनेशन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते या एक एक व्यक्ति मर नहीं जाता। ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि 400 लोग मारे गए और 200 लोग बुरी तरीके से घायल हुए, पर कांग्रेस की इंक्वायरी कमेटी कहती है लगभग 1000 लोगों से कम लोग तो मारे नहीं गए। समझ में आ रही है बात? ऑफिशियल फिगर अंग्रेजों के हिसाब से दिया गया कि भाई 300 लोग, 400 लोग लगभग मारे गए और 200 घायल हुए, पर कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी कहती है कि मरने वालों की संख्या 1000 से कम तो नहीं थी। जनरल डायर डिड दिस एज ही हिमसेल्फ प्राउडली डिक्लेयर्ड। जनरल डायर ने ये क्यों किया, वो प्राउडली बताते हैं कि मैं टेरराइज करना चाहता था, मैं आतंक का माहौल बनाना चाहता था पंजाब में, बहुत उचक रहे थे पंजाब के लोग, है ना, बिल्डिंग को आग लगा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो मैं बस यही चाहता था कि यहाँ पर सब शांत हो जाए, लोग डर जाएं अंग्रेजी हुकूमत से इतना कि फिर कुछ ना कर पाएं। तो प्राउडली वो बता रहे हैं टू स्ट्राइक टेरर इन टू द होल ऑफ द पंजाब। अच्छा बेटा, इतना ही करके डायर खुश नहीं था। जलियावाला बाग मैसेकर, जलियावाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, उसके अलावा और भी दूसरी इनडिग्निटीज़ का यूज़ किया गया, ठीक है। देखो वो क्या क्या इनडिग्निटीज़ थी जो हमारे बेचारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सही कि उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए, ठीक है। पूरे पंजाब में जितने भी जो लोग थे जो ऐसा लगता था कि स्वदेशी मूवमेंट में या किसी भी मूवमेंट में इन्वॉल्व थे उन्हें सर्च किया गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी गई उन्हें ढूंढ ढूंढ के, है ना। तो दूसरे जो अपमान वाले काम हमारे साथ हुए, इनडिग्निटीज़ जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ की, फ्लॉग मतलब कोड़े मारे गए, हैंडकफ मतलब हथकड़ियाँ लगा दी गई, पूरे पंजाब में सर्च चली और जिन जिन लोगों को पकड़ा गया उनको सबको हथकड़ियाँ लगाई, कोड़े मारे। पीपल एट अमृतसर वर मेड क्रॉल विथ बेली, मतलब जैसे छिपकली वगैरह कैसे चलती हैं, मतलब लिजर्ड स्नैक कैसे चलते हैं, वैसे रेंग रेंग के इन्होंने इंसानों को भी चलाया। पीपल आर्ट अमृतसर, अमृतसर में लोगों को बैली केबल मतलब रेंग रेंग कर चलवाया गया, जैसे लिजर्ड है स्नैक है ये कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं ना, ऐसे इन्होंने इंसानों को चलवाया। बेटा किसी भी सिविलाइज वर्ल्ड ने ऐसी ब्रुटैलिटीज़, ऐसी क्रुएलिटी रिसेंट हिस्ट्री में तो नहीं देखी, ठीक है। द सिविलाइज वर्ल्ड हैड नॉट सीन सच ब्रुटैलिटीज़ एज दिस इन रिसेंट हिस्ट्री। बहुत बुरा किया अंग्रेजों ने हमारे साथ। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट को, बहुत बड़ा चैप्टर है सच में ये। तो खिलाफत मूवमेंट देखो हुआ क्या, जब वर्ल्ड वॉर वन का एंड हो रहा था, जर्मनी सरेंडर कर चुका था, पीस ट्रीटी साइन की जा रही थी ऑटोमन एम्पायर के साथ अलग, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अलग और जर्मनी के साथ अलग। तो यहाँ पर ऐसे र्यूमर्स थे कि जो पीस ट्रीटी ऑटोमन एम्पायर के साथ साइन की जाएगी उसमें कैलिफ की पावर को, खलीफा की पावर को क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम रहते थे वो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमारे इंडिया में भी ऐसे ही हुआ और इसी को कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। चलो पढ़ते हैं बुक में। जर्मनी हैड सरेंडर्ड ऑन नवंबर 11 1918 को जर्मनी सरेंडर कर देता है। इसके बाद जो टर्की होता है उस टाइम का ऑटोमन एम्पायर, वो भी फाइट करना बंद कर देता है और पीस ट्रीटी इम्पोज की जाती है ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की के ऊपर भी, तुर्की इसी को क्या कहते हैं बेटा ऑटोमन एम्पायर के ऊपर भी ये पीस ट्रीटी इम्पोज की जाती है, जो कि बहुत ही सीवियर होती है, जो किसके लिए सीवियर होती है, टर्की के सुल्तान के लिए, जैसे कैलिफ इंग्लिश में, खलीफा हिंदी में कहते हैं। सुन्नी मुस्लिम किसको मानते हैं,
कैलिफ को, खलीफा को, तुर्की के सुल्तान को। जो ऑटोमन टर्किश एम्पायर था वो कोलैप्स कर जाता है। मैंने कहा ना बेटा ये ऑटोमन एम्पायर हुआ होता था, फिर वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये टूट 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 गया और फिर सब अब क्या बचा है, अकेला तुर्की, टर्की। और आज भी ये लोग थोड़े अजीब ही हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारी जगह किसको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को। तो बेटा जो टर्की था उसको अपनी सारी टेरिटरी का छोड़ना पड़ा, उसको लॉस हुआ, ठीक है। और जितने भी टर्क्स लोग जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते थे, डिफरेंट टेरिटरीज़ में रहते थे, वो भी तुर्की से अलग हो गए, टर्की से अलग हो गए। सुल्तान से भी उसकी रियल अथॉरिटी छीन ली गई, ठीक है, उसके जो राइट्स टेरिटरीज़ पे थे उससे छीन लिए गए। जो एरिया ऑटोमन एम्पायर से या टर्की से अलग हुआ उनको कंट्रोल कोई और करेगा, तो सुल्तान तो नहीं करेगा। और इसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे इंडिया में वो भी बड़े ही गुस्सा हुए। फिर हमारे इंडिया में मुस्लिम पीछे रहने वाले थे? नहीं, उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई, ठीक है। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू चैम्पियन द कॉज ऑफ कैलिफ ऑफ टर्की। भैया टर्की में जो कैलिफ के साथ बुरा हो रहा था उसको अपोज करने के लिए, क्योंकि कर वही रहे थे अंग्रेज लोग, तो यहाँ पर खिलाफत कमेटी बनी। दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखना मोहम्मद अली शौकत अली, यही लोग इनिशिएटिव लेते हैं खिलाफत कमेटी के लिए, ठीक है। गांधी जी इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि भाई वो हिंदू मुस्लिम तो 1905 में बंगाल डिवीज़न के टाइम अलग अलग हो गए थे, अंग्रेज़ों ने हमें डिवाइड कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। जब बंगाल डिवीज़न किया तो एक बंगाल हिंदू को दे दिया, दूसरा मुसलमान को दे दिया, है ना। और इस तरीके से हमारे बीच में लड़ाइयाँ करा दी, तो गांधी जी को लगता है कि यार ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, परफेक्ट टाइम में जब मैं हिंदू और मुस्लिम को एक साथ ला सकता हूँ, अगर मैं खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स को सपोर्ट करूँ तो आगे मुस्लिम भी हमारे साथ रहेंगे। सो गांधी जी इन इट एन अपॉर्चुनिटी, गांधी जी को अपॉर्चुनिटी दी गई कि भाई मैं यूनाइट कर सकता हूँ हिंदू और मुस्लिम को। उन्होंने खिलाफत कमेटी को एडवाइज़ किया कि आप भी नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी को ऑप्ट करें, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल कोऑपरेशन करना बंद कर दें। तो जो नॉन कोऑपरेशन कैंपेन था वो 1 अगस्त को स्टार्ट होता है 1920 में। द प्रोग्राम ऑफ खिलाफत मूवमेंट इंक्लूडेड रेजिग्नेशन फ्राम गवर्नमेंट सर्विसेज। सो जो ये जो नॉन कोऑपरेशन का कैंपेन था ये 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है। और पहला काम इसमें क्या होगा कि जितने भी लोग होंगे वो गवर्नमेंट सर्विसेज से रिज़ाइन दे देंगे जो इसमें पार्ट ले रहे हैं। फिर बायकॉट करेंगे, काउंसिल का बायकॉट करेंगे, मतलब जो भी लोग काउंसिल में जाते थे वो लोग काउंसिल में नहीं जाएंगे। पहला काम करना है गवर्नमेंट सर्विसेज से रिज़ाइन दे देना है, काउंसिल से बायकॉट कर देना है, टैक्स पे करने से मना कर देना है, रिफ्यूज़ कर देना है, और रिफ्यूज़ल टू ज्वाइन आर्मी, हम कहेंगे भाई अंग्रेज़ों से अब हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ना तो काउंसिल में जाएंगे, ना स्कूल में जाएंगे, ना कॉलेजेस में जाएंगे, ना ही तो आपके लिए आर्मी में काम करेंगे, ना ही आपको टैक्स देंगे। जो मुस्लिम्स थे इंडिया के उन्होंने डिमांड किया दैट द टेरिटरीज एंड पावर्स विच द सुल्तान ऑफ टर्की हैड लॉस्ट शुड बी रिस्टोर्ड टू हिम। जो भारत के मुस्लिम थे वो इस प्रोटेस्ट के थ्रू क्या मांग रहे थे कि भाई हमारे सुल्तान की पावर वापस कर दो, हमारे सुल्तान से, टर्की के सुल्तान से जो भी कुछ आपने लिया है, जो भी टेरिटरीज, वो उसको वापस दे दो, ठीक है। द सुल्तान ऑफ टर्की हैड लॉस्ट शुड बी रिस्टोर्ड टू हिम। जो टेरिटरीज का लॉस हुआ है, जो टेरिटरीज आपने उससे ले ली हैं, वो उसे वापस कर दो। अब क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या इंपॉर्टेंस रहा खिलाफत मूवमेंट का? तो बेटा जो खिलाफत मूवमेंट थे उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया मुस्लिम को। बाद में कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया, है ना। इतना सपोर्ट मूवमेंट को पहले नहीं मिला था जितना नॉन कोऑपरेशन को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम साथ आ जाते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। कहीं ना कहीं हमें सेंस ऑफ यूनिटी, नेशनल यूनिटी भी देखने को मिलता है खिलाफत मूवमेंट में, मुस्लिम हिंदू साथ में आ जाते हैं। आप खिलाफत एजिटेशन का एंड कैसे होता है, जो मूवमेंट होता है वो बेचारा वैसे ही ख़त्म हो जाता है, मतलब ये जो मूवमेंट होता है ये अपनी नेचुरल डेथ मर जाता है। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के
सुल्तान को हटा देते हैं और होली प्लेसेस के लिए, इस्लाम के होली प्लेसेस के लिए कोई कंसर्न नहीं दिखाते, इवन खलीफेट की पोजीशन को ही ख़त्म कर देते हैं, स्टेट को रिलीजन से बिल्कुल अलग कर देते हैं। पहले स्टेट, रिलीजन, धर्म, पॉलिटिक्स सब साथ में थी, कमाल पाशा के आते ही स्टेट अलग, रिलीजन अलग। इस्लाम के होली प्लेसेस के लिए उन्होंने कोई कंसर्न नहीं दिखाया, खलीफेट की पोजीशन को ही ख़त्म कर दिया। तो खिलाफत मूवमेंट क्या चलती, खिलाफत मूवमेंट इंडिया में भी ख़त्म हो गई। मुस्तफ़ा मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने टर्की में एजुकेशन को मॉडर्नाइज़ किया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज़ किया और उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश में सफल भी रहे कि टर्की को अब रिलीजियन लाइन पे डेवलप नहीं किया जाएगा, सेक्युलर और प्रोग्रेसिव लाइंस पे डेवलप किया जाएगा। तो समझ रहे हो, जिस कैलिफ की पोजीशन के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, अब कैलिफ की पोजीशन ही ख़त्म है ना। कमाल पाशा जो थे उनका सोचना समझना ही अलग था, वो रिलीजन स्टेट को अलग करना चाहते थे, उन्होंने टर्की को अलग तरीके से डेवलप करने के लिए प्लानिंग की हुई थी कि भाई अब टर्की में मॉडर्न एजुकेशन चलेगा, एग्रीकल्चर डेवलप होगा मॉडर्न लाइन पे, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी मॉडर्न लाइन पे। बेटा अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है 1920 का, अब हम इसको पार्ट 3 में पढ़ेंगे, सच में बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा ये।